दैट टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट. टेक्नोलॉजी आफ्टर टेक्नोलॉजी मार्केट पोटेंशियल, मार्केट पोटेंशियल, मार्केट रिस्क, प्रोडक्ट सर्विस, कमर्शलाइजेशन. सो लेट मी स्टार्ट. व्हेनेवर यू वांट टू बी एंटरप्रेन्योर, सो यू हैव टू इट इज सम एथिकल पॉइंट्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई सम एथिकल पॉइंट्स. सो आई हैव टू गो थ्रू दीज स्टेप्स, अदरवाइज आई एम गोइंग टू फेल, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्लिप फ्रॉम माय पाथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेट आइडिया. आइडिया मीन्स इनोवेटिव आइडिया. आजकल क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, सब लोग सुन रहे होंगे, हर हर किसी के मोहल्ले में राशन की दुकान होगी दो चार, और वहीं पे जाके हम कोई अपनी राशन की दुकान खोल दें, इट विल वर्क? क्या ये बिजनेस बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, क्योंकि पहले से ही लोगों ने जिसके यहाँ दुकान पकड़ रखी है, किसी का बही खाता चल रहा है, किसी के उधारी चल रही है, किसी का कोई सिस्टम है, कोई किसी को रेट कम डिस्काउंट देके पर्सनल रिलेशन पे थोड़ा सा छूट ज्यादा देता है. सो लॉट ऑफ थिंग्स, किसी का इमोशनल रिलेशन है कि हमारे खानदान वाले हैं, हमारे टाइटल वाले हैं, हमारे ये वाले हैं, तो लॉट ऑफ थिंग्स इज देयर इन मोहल्ला के दुकानों में ऐसा होता है. आप जाके वहां दुकान खोल देंगे तो आपको उसी तरह मार्केट में चार लोगों के ही, उस मोहल्ले में जो घर है वो 200 मकान है, 200 मकानों में लगभग 800,000 लोग रह रहे हैं, और 800,000 लोग रह रहे हैं तो वही उस मार्केट दुकान चार दुकानों के कस्टमर्स आपने खोल दिया, तो ही आप भी उसी के हिस्सेदार बनोगे, उसी हजार लोगों के ही कस्टमर बेस को आप बेचोगे. तो देयर इज नो, मतलब कहते हैं ना, स्केलिंग नहीं है, और कोई किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है आप में और उनमें, तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो लोग आपके पास ही क्यों है, जिसके पास जा रहा है उसी के पास जाता रहेगा, पुराना दुकानदार है, पुराने लोग हैं, पुराने संपर्क है, तो ये डिफरेंस है. इसीलिए आज के डेज पे, नाउ डेज क्या हो रहा है, स्टार्टअप का कल्चर जो है अब तो पुराना होने लगा, स्टार्टअप बहुत सारे मार्केट में आ गए, तो ये कल्चर एग्जिस्टेंस में है, और इनोवेटिव आइडिया यानी कि हमारे पुराने प्रॉब्लम्स को नए तरीके से सॉल्व करके, और उसको इजिली सॉल्व करके, इकोनॉमिकली सॉल्व करके, टेक्नोलॉजी से सॉल्व करके, कमर्शलाइज करने को कर रहे हैं, तो उसको हम लोग इनोवेशन कहते हैं. किसी इन्वेंशन को जब आप कमर्शलाइज कहोगे दैट विल बी अ इनोवेशन. सो आइडिया जनरेट किया, क्यों? क्योंकि हमें डिफर रखना है, हम अपने जो मेरा मार्केट बेस है, जो कस्टमर कस्टमर का जो ग्राउंड बैकग्राउंड है या उसके संख्या है वो बड़ा रखना है. क्यों? क्योंकि मैं इनोवेटिव, मैं सबसे अलग, जब सबसे अलग हूँ तो सबके लिए नया हूँ और सबका चॉइस हूँ, सब मुझे पसंद करेंगे, सब मेरे प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, सब मेरे सर्विस को पसंद करेंगे. सो इनोवेशन वहां पे जरूरत है, कब? जब एक नया आइडिया जनरेट करो, उसको टेक्नोलॉजी के साथ इन्वेंशन में बदलो, इन्वेंशन को कमर्शलाइज करो. कमर्शलाइज करना किस चीज को बेचना, कमर्शलाइज करना, तब वो इनोवेशन कहलाएगा. और किस चीज के साथ होगा? जब उसमें टेक्नोलॉजी हो. बिना टेक्नोलॉजी के नाउ डेज कुछ नहीं हो सकता. अब जो आटे का पैकेट भी होता है ना, तो लोग आप बोल रहे हैं वो सरसों के तेल में, मैं कल देख रहा था, वो कोल्ड प्रेस एंड हॉट प्रेस, बड़ा सिंपल है. हम सब कहीं ना कहीं रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, सरसों का तेल यूज करते हैं, बड़ा ही वो माना जाता है. शुद्ध सरसों का तेल लिखना मतलब, और शुद्ध सरसों का तेल मिलना, बहुत ही डिफरेंस है. और उसमें भी, और खाने में भी हेल्दी माना जाता है. और जब आप बात करेंगे तो उसमें टेक्नोलॉजी आ रही है कि कोल्ड प्रेस एंड हॉट प्रेस, क्या डिफरेंस है? तो लोगों को कोल्ड प्रेस अब मार्केट में आने लगा है, लोग कोल्ड प्रेस सरसों का तेल बना के बेचना शुरू कर चुके हैं. और इससे क्या, तो क्यों? क्योंकि कहावत, वो लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या है, हॉट प्रेस में जो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं वो जल जाते हैं, कार्बन पार्टिकल उसमें डेवलप हो जाता है ऑयल के अंदर, वो हमारे लिए नुकसानदायक, मतलब उसका साइड इफेक्ट बता दिया हॉट प्रेस का. और कोल्ड प्रेस का बता दिया भैया ये नेचुरल है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है इसके अंदर, जो तेल निकला वो नॉन रिएक्टेड एकदम फ्रेश है, एकदम कोई भी इसमें कोई किसी प्रकार के इसके इंटरनल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आया, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आया, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन्स में कोई चेंज नहीं आया. सो आइडिया, इन्वेंशन, इनोवेशन, ये सारी चीजें, टेक्नोलॉजी, यहाँ तक तो आ गया प्रोडक्ट. आपने आइडिया जनरेट किया, इन्वेंशन किया, इनोवेशन किया, उसको कमर्शलाइजेशन के लिए ले गए, और फिर टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ाया. अब जब आपने प्रोडक्ट ऐसा बना भी लिया तो मार्केट में पोटेंशियल होना चाहिए. कोई ऐसी चीज ना बना दो जो मोहल्ले वाले पसंद ही ना करें, शहर वाले आपके पसंद ही ना करें, आपके स्टेट या आप इस कंट्री के लोग कोई जरूरत ही ना हो. कुछ चीजें होती है जो रीजनली यूज होता है, अब उसको डेवलप करके आप नेशनल लेवल पे बेचना चाहो या
यूएस यूके में बेचना चाहो बिकेगा नहीं। और जो कोई भी चीज हमारे आप कानपुर में से बिलोंग कर रहे हैं, अभी कानपुर एसआईटी से बात कर रहे हैं, तो कानपुर में जो चीजें यूज होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो दिल्ली में यूज नहीं, तो वो चीज दिल्ली के लिए आप नहीं बनाएंगे ना, वो कानपुर के लोगों के लिए बनाएंगे। तो आपका प्रोडक्ट मार्केट पोटेंशियल कितना है वो डिपेंड करता है कि आपका मार्केट बेस लोगों के किस प्रॉब्लम को कितने देर तक सॉल्व कर रहा है, कैसे सॉल्व कर रहा है, इकोनॉमिक है कि नहीं है, मतलब लोग एक बार में लेंगे कि नहीं, हाँ ये मेरी मजबूरी है, मेरी जरूरत है, मुझे चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन, जब हम कोविड के ड्यूरिंग अटक हो गए थे तो ऑनलाइन एजुकेशन का आया, ऑनलाइन एजुकेशन में आया आपके ऑनलाइन क्लासेस की बात आई, ऑनलाइन क्लासेस में बात आई अलग अलग पोर्टल्स की। आज हम जूम पे ऑनलाइन हो रखे हैं, मैं गाजियाबाद बैठा हूँ, आप कानपुर है और हम ऑनलाइन कनेक्टेड है। तो ये तब हुआ, तब कब हमने ये ऑप्शंस ढूंढना शुरू किया, जब कोविड आया, कोविड में मजबूरी थी, बच्चे 2 साल कैसे पढ़ते, तो ये निकला, सॉल्यूशन निकलते गए, जूम आया, अलग 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 एस्पेक्ट्स आए, सबके अपने अपने फीचर्स है, किसी में कोई एडवांसेस है, किसी में कोई एडवांसेस है, कोई सबसे एडवांस है उसको ज्यादा लोग पसंद करते हैं, कोई ज्यादा कंफर्टेबली मतलब कहते हैं कंपेटेबल है यूज करने में। आप लोग कंप्यूटर साइंस से होंगे तो आपको समझ में आ रहा हो कौन बेस्ट है, कौन सा जूम अच्छा है या अदर कोई अच्छा है, वो आप कंपेयर कर सकते हैं। उसी हिसाब से लोग पसंद करते हैं कि नहीं जूम पे नहीं जाएंगे, इस पे जाएंगे, इस पे नहीं जाएंगे, जूम पे आएंगे, इस तरह से लोग अपना। तो ये हमारे प्रॉब्लम थे और प्रॉब्लम का हमने लिया, हमने सॉल्यूशन जो मार्केट में आए एक्सेप्ट करना शुरू किया, और हर कोई आज यूज टू है टू द ऑनलाइन सर्विसेज का। तो मार्केट पोटेंशियल ये था कि कोविड में जरूरत थी इसलिए ऐसे सॉफ्टवेयर्स बने और लोगों ने लिया। अब मार्केट रिस्क एक था, जूम जैसी कंपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी पूरा मैन पावर लगा दिया होगा, पूरा रिसोर्स लगा दिया होगा इस कंपनी ने, और उसे अंदाजा ये था कि क्या 3 महीने में कोविड खत्म होगा या 2 साल जाएंगे। नो वन, मतलब किसी के पास कोई किसी प्रकार का नहीं था डाटा, प्रिडिक्शंस पे चीजें चल रही थी, यानी कि ये रिस्क लेना, प्रिडिक्शन इज लाइक अ रिस्क। अभी भी आता है ना फिर से, ये बेब आ रहा है वो बेब आ रहा है, क्या है वो प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन मीन्स टेकिंग अ रिस्क, हम रिस्क लेते हैं, प्रिडिक्शन ये है तो ये करते हैं। सो इस तरह की कंपनियों ने रिस्क लिया और रिस्क लेके उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट में क्या, या जूम, जूम को प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, जूम इज लाइक सर्विस। अगर जो किसी ने वो बनाया मास्क बनाया तो दैट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज लाइक इन अ फिजिकल फॉर्म आइटम दैट यू आर सेलिंग एंड बाइंग लाइक दैट, एंड सर्विस इज लाइक एनीथिंग यू आर गिविंग सर्विस टू। जूम हम खरीद नहीं सकते, जूम का एक सर्विस है जो हम यूज कर रहे हैं, जूम का अपना सर्वर है, पोर्टल है, सॉफ्टवेयर्स हैं उसका सब कुछ, और वो सर्विस अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। और मास्क जो था वो एक प्रोडक्ट था जो किसी ने बनाया और वो मैंने उसका ओनरशिप ले लिया, दैट इज प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट और सर्विस में अंतर है। और फिर उसको कमर्शलाइज किया जूम ने, जूम ने लाइसेंस दिया। आप कॉलेज में हो, आप कॉलेज से पूछोगे, कॉलेज आपको बता देगा कि जूम के लाइसेंस उन्होंने खरीदे हैं आपके लिए, जूम या इस तरह के ऑनलाइन क्लासेस करवाने के लिए। तो वो क्लासेस के लिए आपने कमर्शलाइज किया और उसके लिए पे किया गया तो पैसे मिले, दैट इज बिजनेस। और ये सारे लिंक करोगे तो मैं मानता हूं कि अगर जो आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो दीज आर द एथिकल वेज आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टार्टअप शब्द यूज करते हो तो बिजनेसमैन बोलोगे तो नहीं, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप, दीज आर द डिफरेंट थ्री थिंग्स। एंटरप्रेन्योर एक अलग चीज हो गया, मैनेजिंग संभावना, स्टार्टअप की डिफिनेशन अलग है, स्टार्टअप इनोवेशन के साथ होता है। तो आप ये फील करोगे कि ये स्टार्टअप के डेवलपमेंट की, और आपका टॉपिक भी स्टार्टअप है तो किसी को इतने तक के लिए कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, जस्ट नो चैट के थ्रू, कि इसके बाद एक दो स्लाइड में मैं लीगल पे चला जाऊंगा तो वो डिफरेंट टॉपिक हो जाए। नो वन, सो थैंक यू। जब आप किसी चीज को कमर्शलाइज करते हो तो दो चीज होता है, वेल्थ क्रिएट होता है जो कि आपका बाय प्रोडक्ट है, जॉब क्रिएट होता है वो हमारे लिए, क्योंकि जिस जो मैं मेरा रोल क्या है, मैं किसी को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए नहीं बैठा, मैं यहाँ बैठा हूँ कि एंटरप्रेन्योर बने तो वो तो ठीक है, लेकिन वो सोसाइटी में वो रोजगार पैदा करे, जॉब गिवर बने, जॉब सीकर ना बने, जो लाइन में खड़े होकर इंटरव्यू देने प्लेसमेंट के लिए पहुंच जाते हैं वो ना बने। वो कुछ बच्चे तो ऐसे हो जो उस प्लेसमेंट की लाइन से दूर रहे और 2 साल 4 साल बाद हमसे बोले, सर हमें प्लेसमेंट के लिए आना है, बताओ कैसे आना है, क्या प्रोसेस है, किससे बात करनी, और आके उस वो आके इंटरव्यू पैनल में बैठे अपनी कंपनी के लिए, और उसके
पैनल के सामने लाइन लगी, वी वॉन्ट टू बी दैट, तो हमारा जो एथिकल वे है वो है, और आपका जो एथिकल वे है, आप एज ए बिजनेसमैन अंत में पैसा तो बनाओगे ही और सोसाइटी को जॉब दो, यानी कि आपने अपना भला किया किया देश का भी भला, जॉब भी दोगे, टैक्स भी दोगे, बाहर से भी बिजनेस लाओगे, लॉट ऑफ थिंग्स, दीज आर द एथिकल प्रोसेस। मैं कह सकता हूँ एथिक्स बहुत चीज होता है, एथिक्स मेरा है मैं आपसे कैसे बात करूं, एथिक्स मेरा है मैं कैसे बिहेव करूं, एथिक्स मेरा है मैं ऑफिस में काम कैसे करूं, तो वो अलग चीज होती है, पर्सनल एथिक्स एंड हियर दीज आर द टर्म दैट रिलेट टू द स्टार्टअप एथिक्स। सो अगर जो समराइज करोगे एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन, तो एक पर्सन जो रेड वर्ड है ना, मैं उसको जोड़ के एक सेंटेंस बनाऊंगा और वो एक डेफिनेशन होगा, ऐसे पूरा पैराग्राफ लिखा है हमने, लेकिन जो रेड वर्ड है उसको आप अगर जो आपस में लिंक कर दोगे और एक सेंटेंस बना दोगे अच्छा सा मीनिंगफुल सेंटेंस, तो दैट विल बी अ डेफिनेशन। सो अ पर्सन हु इज एग्रीगेटर, अ मैनेजर, अ रिस्क टेकर एंड हैविंग न्यू आइडिया और इन्वेंशन इनटू एंड न्यू आइडिया एंड एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू अ सक्सेसफुल इनोवेशन इज अ एंटरप्रेन्योर। ये चार लाइन को एक लाइन में आप लोग बना सकते हो, आप एग्रीगेटर अच्छे हो, मैनेजर अच्छे हो, रिस्क लेने की क्षमता है, एबिलिटी है आपके अंदर, एबिलिटी है आपके अंदर कि आप नए आइडिया को, नया आइडिया डेवलप कर सकते हो, इन्वेंशन कर सकते हो, उसको सक्सेसफुल इनोवेशन में बदल सकते हो। सो दैट इज हु दैट पर्सन इज इन एंटरप्रेन्योर। नंबर दो, इनोवेशन क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला आता नहीं है, कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं इनोवेशन के लिए, लेकिन पढ़ा था मैंने भी कहीं पढ़ा था कहीं से, मुझे लगता है ये मैंने पढ़ा था 6 साल पहले कहीं, कि जब इन्वेंशन को किसी भी प्रोडक्ट को बना के बक्से में रख दो बंद करके, रिसर्च पेपर में लिख के छोड़ दो, आर्टिकल में लिख के छोड़ दो, वो इन्वेंशन जिससे कुछ नहीं होना, डब्बा बंद बना लिया और रख दिया, अपना नाम लिख दिया उस पर, मैंने बनाया, बात खत्म, वो इन्वेंशन कहलाए। लेकिन उसी को जब बेचना शुरू कर दो तो इनोवेशन है। हो सकता है किसी का माइंड, किसी का फॉर्मूला, किसी का डिफिनेशन अलग हो, पर मेरा मानना तो ये है, क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट से बात कर रहा हूँ, एक इनक्यूबेटर के फॉर्म में बात कर रहा हूँ, इनोवेटर के फॉर्म में बात कर रहा हूँ, टेक्निकल बैकग्राउंड से बात कर रहा हूँ, तो मेरा मानना यही है कि इन्वेंशन, डब्बा बंद कर दिया किसी चीज का तो कोई फायदा नहीं, लिख दो और रख दो, कोई फायदा नहीं। आप एग्जाम देते हो, जब तक कॉपी पे नहीं लिखोगे, आंसर शीट पे आप मार्क्स लेने के लिए नहीं लिखोगे, जब तक मतलब भंजाओगे, कहते हैं ना कि जो पढ़ा है उसको भंजाना चाहिए, पर लोकल लीन लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज जो किया है उसको भंजाना चाहिए, तो ही चीज इन्वेंशन किया है तो उसको कमर्शलाइज करो, भंजाओ, कन्वर्ट करो कैश में, तो दैट इज इनोवेशन। उसी तरह एडुकेशन में करते हो, आप जो पढ़ते हो कॉपी पे, जब तक लिख ना पाए पढ़ना बेकार, लोग भी बोलते हैं अच्छे परसेंटेज नहीं आए तो पढ़ना बेकार है, अच्छे रिजल्ट नहीं आए तो पढ़ना बेकार है, तो दैट इज इनोवेशन। और आप ले क्या जाते हो एज एंटरप्रेन्योर अपने साथ, तो अच्छी इनकम, बहुत पैसा बनाते हो, अमीर बनते हो, अंबानी, अडानी, लॉट ऑफ दोज लिस्ट आर देयर, बहुत सारे नाम है, आज उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, मोटिवेशनल क्लास नहीं है ये, हम लीगल एंड एथिकल वेज पे जाना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे के आगे बढ़ू, नहीं तो बहुत सारे नाम है, बहुत सारे, मतलब ओयो का फाउंडर है, जोमेटो का फाउंडर है, बहुत सारे, पेटीएम के फाउंडर हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा, अभी आपके कानपुर में ही वो अग्रवाल, आकाश एंड अग्रवाल ग्रीन, उस पे काम कर रहे हैं मंदिर बेस्ड, तो वो लड़का है, इज इन फोर्ब्स अंडर 30, तो फोर्ब्स के लिस्ट में उनका नाम है, वो है, बहुत सारे लोग हैं, अभी तो 100 यूनिकॉर्न बन गए इंडिया, यूनिकॉर्न शब्द जो आप इंट्रोड्यूस्ड हो गए तो देखना, और नहीं इंट्रोड्यूस्ड है तो गूगल कर, यूनिकॉर्न उनके टर्नओवर के हिसाब से हो, तो 100 यूनिकॉर्न्स इंडिया में हो चुके हैं। सो दीज आर द मतलब टेक अवे फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर्स, और ये क्रिटिकल वे स्टेप्स हैं जहां से आपको गुजरना है। पहला चीज, अच्छा बिजनेस आइडिया ढूंढो, नंबर दो बढ़िया बिजनेस प्लान बनाओ, नंबर थ्री रेज योर सीड फंडिंग, सीड फंडिंग मीन्स फंड जनरेट कर, सीड फंडिंग, सीड का भी मीनिंग अलग है, और जो टेक्निकली आप इंक्यूबेशन में आओगे जब, तो सीड एक ब्रॉड वर्ड है, इसको तब डिफाइन कर सकते हैं, कभी जरूरत हो तो बताना, मतलब हम PSIT के हर बच्चे को इनवाइट करते हैं, कभी किसी भी प्रकार की इंक्यूबेशन सपोर्ट चाहिए तो यू आर वेलकम, वी आर देयर टू वेलकम यू ऑलवेज, क्योंकि हर साल हम 30 से 35 स्टार्टअप्स को ऑनबोर्ड लेते हैं, हर साल लगभग 2 CR के ऊपर फंडिंग सपोर्ट देते हैं, और मोस्ट ऑफ देम 90% बच्चे हमारे बाहर से होते हैं स्टार्टअप्स में,
मैं बोलूँ कि हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, जिनके पास इनोवेटिव आइडिया है, TBI उनके लिए काम करता है, ना कि इंस्टीट्यूट के। इंस्टीट्यूट एक पेरेंट बॉडी है और इंस्टीट्यूट का विजन भी ओपन है। TBI जो इंक्यूबेशन है वो फॉर द स्टेट फॉर द रीजन, इसीलिए अभी गवर्नमेंट AKTU ने हमें रीजनल सेंटर भी डिक्लेयर फॉर प्रमोटिंग स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन इन द रीजन। सो रेजिंग योर सीड फंड, गेटिंग पेइंग कस्टमर्स, अब ये आपका काम होगा। सीड फंड इंक्यूबेटर से ले सकते हो, बिजनेस पार्टनर से ले सकते हो, घर वालों से ले सकते हो, गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम से ले सकते हो, सीड फंड उसको बोल। और पेइंग कस्टमर वो आपको एनालाइज करना है कि मेरा कस्टमर कहाँ है, किस मोहल्ले में मेरा कस्टमर, ये खाएंगे मेरा आइटम बनाया हुआ कि नहीं, ये यूज करेंगे मेरा आइटम बनाया हुआ कि नहीं, ये डिपेंड करता है, आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें होती है जब डिफाइन करना पड़ता है कि ये आइटम सही नहीं है मत जाओ, क्योंकि इसमें ये लोग पसंद नहीं करेंगे, ये लोग पसंद करेंगे, इनकी संख्या कम है, डोंट यूज दिस बिजनेस, डोंट गो इनटू दिस बिजनेस, क्योंकि आपकी इसकी आबादी बहुत कम जो इसके यूजर। और सक्सेस फेल्योर तो देखो बिजनेस के साथ आता और जाता है, सो इसको जज नहीं कर सकते। तो यू ये 5 क्रिटिकल स्टेप्स हैं जिसके अंदर से आपको गुजरना ही गुजरना है, और इसके लिए ये वाला स्लाइड इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो इसी को मैं तो मतलब कहते हैं ना कंसोलिडेट करके बताना चाह रहा हूँ। अब मैं आता हूँ लीगल बेस पे, ठीक है, यहाँ से चैप्टर चेंज होता है, चैप्टर चेंज होता है और हम ये डिफरेंट है, मतलब रियली डिफरेंट है। और आप नीचे देखोगे तो मैंने सोर्स में एक शांतनु श्रीवास्तव है, ही इज CS बाय प्रोफाइल, और आपका इन्विटेशन मतलब हमें मिला तो मैं सोचा कोई नहीं, मेरी मतलब आई एम नॉट ऑफिशियली एक्सपर्टाइज इन द एज अ CS, सो एज अ इनक्यूबेटर आई हैव टू गो टू दीज थिंग्स। इनक्यूबेटर को थोड़ा सा इन चीज़ों का भी नॉलेज रखना पड़ता है, क्योंकि मेंटरिंग करनी है, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है, हम रोज CS के पास उसे नहीं भेज सकते, क्योंकि एक विजिट का 1,000, 2,000, 3,000 रुपये चार्ज लग जाएंगे। तो कुछ बेसिक नॉलेज हमें एज ए इनक्यूबेटर रखना हो, तो वो बेसिक नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मैं अपने स्टार्टअप्स के साथ करता हूँ हर दिन। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओनरशिप है कंपनीज के, बिजनेस एंटिटीज के तौर पे। जब आप अपनी कंपनी, जब आप आइडिया जनरेट हो गया, बिजनेस कमर्शलाइजेशन का सब सोच लिया, अब आपको लगा कि अब मुझे कमर्शलाइज होना है, तो कमर्शलाइज तब हो जब आप लीगल एंटिटी में कन्वर्ट हो जाओ। लीगल एंटिटी का मतलब कानूनी अधिकार लेना, ठीक है। कानूनी अधिकार लेने के बाद आपको क्या करना है, कानूनी अधिकार लेने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना कि किस फॉर्म में आना चाहते हैं। नंबर वन है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप मतलब होता है अकेला मेरी मेरी कम, मुझे अपना काम करना है, मुझे मर्जी है मेरी, और मैं सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे जाके रजिस्टर हो गया कंपनी, बस अपने फर्म रजिस्टर क्या, प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन उसको बोलते हैं, फर्म नहीं बोल सकते। तो उसमें हम अकेले ऑनर हैं, और जरूरत पड़ी तो GST वगैरह लेना पड़ा वो टर्नओवर के हिसाब से। तो ज्यादा लाइबिलिटी, ज्यादा इसका क्या, सिंपल सा एक और चीज है कि इस पे लोग ज्यादा भरोसा भी नहीं करते। सोल प्रोप्राइटरशिप पे जो मार्केट में जाओगे आप तो ज्यादा भरोसा नहीं करते, आप बोलोगे मैं दुकान रजिस्टर है, मैं बिजनेसमैन हूँ, ज्यादा लोग भरोसा नहीं करते, ठीक है आप कर रहे हो अच्छा है, क्योंकि आप वन मैन आर्मी का काम कर रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, आप स्केलेबिलिटी भी आप नहीं देख रहे हो, आप अकेला अपना काम चला रहे हो, आप एम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं दे रहे हो, स्केल नहीं हो रहा, ज्यादा ग्रोथ नहीं है। आप जैसे घर की दुकान, घर का बिजनेस, किसी ने सीमेंट की दुकान खोल ली, किसी ने राशन की दुकान खोल ली, कोई अपना छोटा सा कुछ बनाने का यूनिट लगा लिया और अपना मालिक है, अपना चला रहा है, एक आध लड़के रख लिए और चला रहा लाइक दैट, तो मार्केट में वो कॉन्फिडेंस भी आपके ऊपर नहीं, ठीक है, ये उसको कहते हैं। दूसरा आता है पार्टनरशिप पर, दो या तीन लोग मिलके एक फर्म को रजिस्टर कराते हैं, चार्टर्ड डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट के साथ रजिस्टर कराते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है ऑप्शनल है, आप कराते हो या नहीं कराते हो, पार्टनरशिप फर्म उसको कहते हैं। दो लोग मिलके एक स्टाम्प पेपर पे साइन किया, उसकी जाके रजिस्ट्री करा ली, रजिस्ट्री कहाँ करा ली, स्टाम्प पेपर वाली रजिस्ट्री, कहते हैं नोटरी करा लिया इस तरह का, तो पार्टनरशिप फर्म में आता है रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है, उसका रजिस्ट्रेशन कराओ ना कराओ, टैक्स वगैरह का लाइबिलिटी बनता है तो इनकम टैक्स के फॉर्म में GST की लाइबिलिटी बनती है, GST रजिस्टर करा लो, तो इस तरह से होगा, चलता रहे नॉर्मल। वो भी प्रोप्राइटरशिप से अगला स्टेज है कि दो एक एक की जगह दो तीन लोग पार्टनर बने।
अब आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप जो है वो लिमिटेड रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, और एक टर्नओवर के बाद आपको, एक एज के बाद, एक मैच्योरिटी के बाद आपको कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट होना होगा। मतलब कहते हैं ना, टीनेजर से एडल्ट में बदलना पड़ेगा अपने आप को, और रजिस्ट्रेशन इसकी रिक्वायर को मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव अफेयर्स। यहाँ लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरा होता है, जो AOA AON सारा एग्रीमेंट वगैरह मैं आगे दिखाऊंगा क्या क्या जरूरत होती है डॉक्यूमेंट, वो सारा इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी में मतलब रिक्वायर्ड होता है। लेकिन इसका प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। प्रोज क्या है, मतलब पहला एक चीज क्या, बेनिफिट क्या है कि बेनिफिट ये है इसमें ज्यादा लाइबिलिटीज नहीं होती, जब चाहो तब कंपनी को बंद करके आप एग्जिट कर सकते, बड़ी आसानी से एक कम्युनिकेशन के साथ कंपनी बंद हो जाती है और आपके ज्यादा कोई भार नहीं होता, ज्यादा लीगल कॉम्प्लियंसेस आपके ऊपर नहीं आते, ऑडिट का ज्यादा भार नहीं होता, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इसको करते हैं। लेकिन अगला स्टेज जो होता है, जो कंपनीज के तौर पे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के तौर पे आता है, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अलग दो तीन फॉर्म में है, वो रजिस्टर होती है, एक आदमी या दो आदमी पार्टनर बनते हैं, डायरेक्टर के फॉर्म में रजिस्टर होते हैं, एनुअल ऑडिट होता है, टैक्स टैक्स हो गया, सारे टैक्स का पूरा जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर आती है, आपका सारा सीए अपॉइंट करके साल में हर साल ऑडिट कराना और लीगल वे में सारी डॉक्यूमेंटेशन को देखते रहना और चलते रहना, क्लोज करते वक्त भी आपको विद परमिशन विद सारे अप्रूवल्स एंड प्रोसेस से गुजरना हो। आप किसी कंपनी को सीधा ऐसे कंपनी आपने रजिस्टर करा ली और कल बंद कर देंगे, ऐसा संभव नहीं, उसका पूरा प्रोसेस से जाना पड़ेगा। एक एक नॉर्मल कम्युनिकेशन से कंपनी बंद नहीं होगा कि हम बंद करना चाहते, आपको पूरे लीगल प्रोसेस से जाना पड़ेगा और थोड़ा सा इसमें लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ लेकिन इसका फायदा क्या है, मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा होती है, आपको लोग भरोसा ज्यादा करते हैं, बैंक लोन इजिली दे देंगे, वही लिमिटेड LLP पे, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे कम देंगे, पार्टनरशिप पे और कम देंगे, प्रोप्राइटरशिप पे इंडिविजुअल के तौर पे जो पर्सनल लोन और सेल्फ लोन लेने जाते हैं उस तरह से बिहेव करेंगे, पर दिक्कत आती है। कंपनी को लोन लेना, बिजनेस लोन मिलना थोड़ा आसान है विथ रिस्पेक्ट टू अदर थ्री फॉर्म। और जो आप देखोगे, कंपेयर कर लो तो कंपेरिजन चार्ट है ये जो मैंने बोला, उन सब का थोड़ा सा डिटेल में है, क्योंकि आपको अपनी कंपनी का जो पार्टनरशिप है तो आपको गवर्निंग लॉ क्या है, पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पहले से हमारे कानून में लागू है, उसके थ्रू फॉलो होता है, एग्रीमेंट अग्रीमेंट कर लो आप, उसके थ्रू आगे बढ़े। दूसरा होता है LLP गवर्निंग लॉ में, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, मतलब ज्यादा भार नहीं आता, बड़ी इजीली आप उस बिजनेस से आउट आ सकते हैं, जब बड़ी इजीली उस कंपनी से क्विट कर सकते हैं, बस एक नोटिफिकेशन और अपनी सारी जो थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन के साथ फ्री हो गया। ओपीसी जो है वन पर्सन कंपनी, यानी कि वो कंपनी एक्ट में ही आता है, तो वो पूरा लीगल आपका प्रोसेस है, आपको पूरे प्रोसेस से गवर्नमेंट पास क्यों बंद कर रहे हो, एनुअल मतलब आपको पूरे ऑडिट करवाना पड़ेगा, जो टैक्सेशन का प्रोसेस है उसके थ्रू गुजरना पड़ेगा, तो कंपनी एक्ट पूरा का पूरा लागू होता है ओपीसी पे और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे। ओपीसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फॉर्म है, ओपीसी में एक आदमी ऑनर होता है उसका, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का दो तीन डायरेक्टर्स होते हैं, मिनिमम दो डायरेक्टर्स होते हैं, मिनिमम दो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर बोल लो डायरेक्टर बोल लो, किस फॉर्म में आप करते हो वो दिखाते हैं, डिपेंड करते हैं। चार्टर्ड डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप में केवल एग्रीमेंट चाहिए स्टाम्प पेपर पे, LLP में भी एग्रीमेंट चाहिए, ओपीसी और प्राइवेट PBT प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में MOA मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट और AOA ये दोनों चीज चाहिए, ये दोनों लीगल डॉक्यूमेंट हैं जो CA CA CS ही तैयार करते हैं, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको पूरा टर्म एंड कंडीशन बना के उसमें देना पड़ता है, आपका किस तरह का वर्किंग है आपका, जैसे कहते हैं ना कि अपना कुंडली बना देना, कंपनी का संविधान बना देना, एक कंपनी हम अपने कुछ नियम कानून अपने हिसाब से बनवा देंगे, हम मैं ये हूँ, मेरी ये प्रैक्टिसेस होंगी, मैं इस तरह से काम करूंगा, मैं इस तरह से सर्विसेज दूंगा, मैं मतलब जो भी आप करते हो वो पूरा MOA और AOA के थ्रू आपको बनाना पड़ेगा, आपके जो पार्टनर्स हैं उनके एग्रीमेंट्स उसमें दिखेंगे सारा चीज, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने रिक्वायर्ड है, पार्टनरशिप कौन करता है, अकेला आदमी पार्टनरशिप कर नहीं सकता, उसको एक या दो आदमी चाहिए, LLP में भी मिनिमम दो आदमी चाहिए, और OPC में अकेला वन पर्सन, नाम ही है वन पर्सन कंपनी, एक आदमी,
और प्राइवेट लिमिटेड में दो। मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स भी उसी तरह दिया हुआ है, जितना पार्टनर बनाओगे मिनिमम उसी तरह से लिखा हुआ है। मिनिमम बोर्ड मीटिंग पार्टनरशिप में ऐसी कोई रिक्वायर्ड नहीं है, एलएलपी में नहीं रिक्वायर्ड है, लेकिन ओपीसी और पीपीसी प्राइवेट लिमिटेड में रिक्वायर्ड है। 1% कंपनी में भी आपको दो बोर्ड मीटिंग साल में करने ही पड़ेंगे, रेजुलेशंस नियम कानून पूरा डाटा उसमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा और उसी के थ्रू काम होगा। कहते हैं बोर्ड ऑफ गवर्निंग, गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स, गवर्निंग बोर्ड ऑफ मेंबर्स, इस तरह से सब सुने होंगे अपने लाइफ में आप, और जो जो कंपनीज के बारे में ज्यादा नहीं जानते वो सारा यहाँ पे आके लागू हो जाता है। शेयर होल्डिंग मीटिंग्स पहले तीनों में लागू नहीं होते, पार्टनरशिप में भी, एलएलपी में भी, ओपीसी में, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, वो शेयर होल्डर्स आपको दिखाना पड़ता है। ये मैं अभी फिर से बताता हूँ, इसका सोर्स जो है शांतनु श्रीवास्तव है, कंपनी सेक्रेटरी है, ही इज सी एस टू द मेनी आई आई टी इंक्यूबेटर्स एंड ही इज ऑल्सो अलाइंड विद एंड जॉइंड विद अस, मतलब एज अ कंसल्टेंट हमारे साथ भी जुड़े हो, उनके सोर्स से मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ। लीगल टर्म्स है तो उनका नाम लेना मेरे लिए जरूरी है, किसी के सोर्स की बात हमेशा बतानी चाहिए, आपने जिससे जो लिया है जो सीखा है उसको बताना चाहिए। सो मैंने इससे पहले के स्लाइड्स पे नहीं डाला था, लेकिन अब जहां से लीगल चीजें आ रही है तो मैंने सोर्स के बारे में बता दिया, ठीक है। सेवन्थ पॉइंट है इन्वेस्टमेंट अलाउड है पार्टनरशिप में, तो नहीं, कहीं बाहर से इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं ले सकते, लोन पर्सनल लोन घर से उधार पड़ोसी से उधार वो सब करके अपना चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एलएलपी में इन्वेस्टमेंट आप रेज कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ओपीसी में भी 1% कंपनी है तो ऐसा नहीं दिखा सकते कि हमने इन्वेस्टमेंट लिया है, इन्वेस्टमेंट लेते ही शेयर होल्डिंग्स आ जाती है, वो बदल जाता है मामला। और प्राइवेट लिमिटेड में ले सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं लोग, फॉरन इन्वेस्टमेंट एलएलपी में ले सकते हैं थ्रू अप्रूवल, और प्राइवेट लिमिटेड में भी ले सकते हैं थ्रू अप्रूवल और ऑटोमेटिक, मतलब एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड में फॉरन इन्वेस्टमेंट जो एफडीए होता है वो आप ले सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप और 1% कंपनी दोनों में नहीं ले सकते। हाफ ईयरली कॉम्प्लियंसेस एमएसएमई डिस्क्लोजर दोनों 1% और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में देना पड़ता है, वो बोर्ड ऑफ गवर्निंग मेंबर्स और ये सब करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। एनुअल कॉम्प्लियंसेस पार्टनरशिप में भी इनकम टैक्स रिटर्न तो सबको डायल करना है, आप भी हम भी सबको करना, तो वो तो सबके लिए लागू होता है। लेकिन एलएलपी में अब ये स्टेज वाइज देखोगे तो आपको आपका ना डॉक्यूमेंटेशन बढ़ता जा रहा है साल का। एनुअल कंप्लायंसेस में एलएलपी का आईटीआर फाइल होगा, फाइनेंशियल एंड एनुअल रिटर्न डीआईएन के साथ केवाईसी करानी पड़ेगी, उसके बाद जीएसटी वीएसटी लागू होता है, जो आपके ट्रांजेक्शन 20 लाख से ऊपर हो जाते हैं तो आपको जीएसटी वगैरह भी लागू करना पड़ेगा। टिन वगैरह खत्म हो गया तो बहुत सारी चीजें कम होगी, जीएसटी एक अब एग्जिस्टेंस में है तो वहां देखना पड़ेगा, और भी लीगल चीजें जाएंगी इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें। ओपीसी में भी फाइनेंशियल एनुअल ऑडिट कराना पड़ेगा, डीआईएन केवाईसी कराना पड़ेगा, डीपीटी कराना, सेम चीज प्राइवेट लिमिटेड का। कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, कंपनी मतलब आप बात करो एलएलपी ओपीसी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, किसी में थोड़ी डॉक्यूमेंट कम थोड़ा ज्यादा चाहिए, लेकिन प्रोसेस लगभग एक जैसा ही, एलएलपी में भी वही चीज होती है, ओपीसी में भी वही प्रोसेस है और प्राइवेट लिमिटेड में भी वही है। पार्टनरशिप ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं, सिग्नेचर प्रोक्योर करना, जितने भी मेंबर्स डिजिटल सिग्नेचर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देती है हर किसी के लिए, हर इंडिविजुअल को भी ले सकते हो आप अपना डिजिटल सिग्नेचर, और इसके लिए आप डीएससी से आपको लेना हो। और डिजिटल सिग्नेचर इसलिए लिया जाता है कि जो भी पार्टनर्स बनोगे आप कलम से दस्तखत करके नहीं करते, वहां पे डिजिटल जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में लागू होता है तो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आप डॉक्यूमेंट साइन करते हो और वहां से अप्रूव करते, तो वो चीजें आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। नंबर वन। नंबर दो, कंपनी का नाम ऐसा नहीं है कि आप कोई भी उठा और बोला मेरा नाम राजा है तो राजा प्राइवेट लिमिटेड हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है। नाम आप चूज कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो, डाल सकते हो, उसकी अवेलेबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बताएगी, राजा को राज बना सकते हो, तो लेकिन नहीं अवेलेबल है आप देख लीजिए ये अवेलेबल है इससे मिलता है, जैसे गूगल पे ईमेल आईडी बनाते हैं ना आप लोग, तो जीमेल पे तो या फेसबुक पे आईडी बनाते हैं तो वो बोलता है सजेस्टेड नेम, सजेस्टेड यूजर आईडी, अवेलेबल नॉट अवेलेबल, उसी तरह यहाँ भी है। जब आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आप जब अपनी कंपनी रजिस्टर कर रहे होते हैं तो वहाँ नाम का रिजर्वेशन है कि वो आपके आपके हाथ में नहीं है, आप
सजेस्ट करके चार पांच नाम दो, पांच नाम या चार नाम देने होते हैं, उसमें से वो बता देगा कौन सा अवेलेबल। आपसे नाम मांगते रहेंगे जब तक कि उनके पास वो नाम कहीं से मैच, किसी ने ले ना रखा हो, खाली नाम नहीं हो, मतलब मैच करता हुआ नाम नहीं लेते, कंपनी का नाम एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए, कोई और भी कंपनी हो सकती है। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, एक बार आपने आपका नाम मिल गया तो आपको अगले 4 घंटे में डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेशन, वंस ऑल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर दिया आपने तो रजिस्ट्रेशन अगले 24 घंटे में हो जाता है, फोर्थ स्टेप। पांचवा स्टेप है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल्स, उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने बनाई है तो आपने उसका कैपिटल कितना ग्रांट लिया है, मतलब कोई कंपनी 1 लाख के साथ खोलता है, 1 लाख वैल्यूएशन से, कोई 10,000 से, कोई 10 लाख से, आप कितना उसका वैल्यू रखना चाहते हो, वो आपको कैपिटल, आपको अपने उस कंपनी का बैंक अकाउंट खुलवाना है कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन के बाद, और उसमें जमा करना है और फिर अपना बिजनेस शुरू कर देना है। जो वो पैसा आपने जमा किया है, आप ये भी मान सकते हो एक तरह से सिक्योरिटी भी है या मतलब इक्विटी, मतलब रिजर्व पैसा भी है, रिजर्व पैसा बोल सकते हो, जरूरत पे कभी यूज करो लेकिन वापस वहां जमा करो, उसका भी कुछ नियम कानून है कुछ दिनों का, तो वो आपको सीएस बता सकते हैं, बट ये इतने की जरूरत आपको पढ़नी ही पढ़नी है 5 स्टेप्स। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंप्लायंसेस क्या क्या है, पहला आपको एनुअल मीटिंग करना, डिपॉजिट कंप्लायंस करना, एमएसएमई फाइलिंग करना, अकाउंटिंग में एनुअल अकाउंट मतलब ऑडिट कहते हैं ना, बड़ा सिंपल शब्द है, ऑडिट कंपनी का ऑडिट चल रहा है तो आपको साल में ऑडिट कराना। टैक्सेशन में आपको ITR फाइल करनी है, TDS कलेक्ट करना है, TDS क्या होता है, या तो किसी को पेमेंट कर रहे हो उसमें से टैक्स काट के रखना, TDS एक टर्म है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप अपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो तो उसकी सैलरी से टैक्स का पैसा काट के गवर्नमेंट को दे देना, बाद में वो एम्प्लॉय अपना ITR फाइल करके उसका टैक्स उतना बनता है तो वो गवर्नमेंट रख लेती है, नहीं बनता है तो बचा हुआ पैसा वापस डायरेक्ट आपके एम्प्लॉय को कर देते हैं, तो TDS फाइल कर, TDS को भी रेगुलरली। फिर और भी नियम आ जाते हैं, PF जमा करना, ग्रेचुटी के लिए बात सोचना, तो जब आप इसमें इन्वॉल्व होगे तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, और भी चीजें इसमें आती हैं, थोड़ा लंबा कॉम्प्लियंस है मतलब प्राइवेट लिमिटेड के साथ, मगर हाँ इस कॉम्प्लियंस के कारण ही आपका इम्पोर्टेंस ज्यादा, आपकी वैल्यू ज्यादा, क्यों, ये माना जाता है कि जो आदमी इतनी चीजों को 5 साल 4 साल 3 साल से कर रहा है, झेल रहा है, चला रहा है, मतलब वो मन से कंपनी चला रहा है, कोई फ्रॉड नहीं करना चाहता, लीगली ही इज वैलिड और कोई तरह का गुनाह नहीं करेगा, कोई फ्रॉड मार्केट में नहीं करेगा, किसी तरह का फाइनेंशियल घपला नहीं करेगा, टैक्स चोरी नहीं करेगा, इतना अच्छा काम कर रहा है, इतनी चीजें मैनेज कर रहा है, यानी कि ही इज अ जेन्युइन पर्सन, दिस कंपनी इज जेन्युइन। बहुत बार हम एक शब्द यूज करते हैं फ्रॉड कंपनी, तो ये सारी चीजें आ जाती है, टैक्स चोरी कर लिया, TDS नहीं दिया, GST बिल नहीं भर रहे, बिना टैक्स के बिना बिल के माल बेच रहे, लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये जो जो मतलब स्टेप्स हैं ये आपको फॉलो करना है। फिर GST आता है फोर्थ स्टेप पे, आप क्वार्टरली मंथली आप जैसा चाहो चूज करके आप इसको रिटर्न फाइल कर सकते हो। RBI कंप्लायंस में भी FDI यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कुछ आता है वो FLA और ODI ये आपको फाइल करना है, ये 5 स्टेप्स इसके अंदर। कंपनी पे टैक्सेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लागू होता है, नॉर्मली 22% से 30% के बीच में नॉर्मल टैक्स कंपनी पे लागू होता है, इनकम पे अलग अलग चीज़ों पे रेट्स लागू होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे 25% से 15% तक का है, प्लस सेस 4% का लगता है, 7% का सरचार्ज है आजकल, और जो इनकम 1 करोड़ से ऊपर चला गया और 10 करोड़ तक है तो 12% का सरचार्ज लग जाता है टैक्स पे, इनकम टैक्स पे, जब आपका जो इनकम जो है वो 10 करोड़ से ऊपर चला जाता है, तो ये सारी चीजें आपको टैक्सेशन में आती है। LLP के साथ वही थोड़ा सा डिफर कर जाता है, नॉर्मल टैक्स फिक्स है, 30% लगेगा, 4% का सेस लगेगा, 12% सरचार्ज है, इनकम अगर जो एक्सीड कर गया 1 करोड़ से, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए प्राइवेट लिमिटेड करने कंपनी मतलब स्टार्ट, अब आता है एक और, हाँ सॉरी, अब आता है स्टार्टअप। स्टार्टअप कब कहलाओगे, कंपनी रजिस्टर करने से को आप स्टार्टअप हो जाओगे ये नहीं माना जाता। स्टार्टअप का आजकल कोई भी शुरू हो जा रहा है ना, सड़क चलता आदमी स्टार्टअप कर रहा है। I thought you have gone through, आप लोग अपने फ्रेटर्निटी में, स्टूडेंट फ्रेटर्निटी में आप देख रहे होंगे, कुछ भी कर रहा है तो बोलेगा स्टार्टअप, मतलब कुछ भी करने का आ गया, कुछ भी मन, कुछ भी लेके आपके सामने खड़ा हो जाएगा, मतलब
मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ सर, आप बताओ मुझे क्या करना। मेरे अभी ऑफिस के बाहर बैठे हैं, मुझे स्टार्टअप करना है। मैं नहीं जानता वो करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं, आई डोंट नो, अभी मैं मिला नहीं है। बस मुझे ये पता है कि मेरे ऑफिस के बाहर कुछ बच्चे आए हैं मिलने के लिए जो स्टार्टअप करना चाहते हैं। मैं उन मिलने के बाद, कोई भी आके आता है और स्टार्टअप करना चाहता है, स्टार्टअप ऐसे नहीं होता, उसकी एलिजिबिलिटी है, या तो आपकी कंपनी LLP हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड। ज्यादातर मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी स्टार्टअप करना चाहते हैं तो मस्ट गो थ्रू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही रजिस्टर करो, क्योंकि मैं उसका बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा। स्टार्टअप इंडिया एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसके अंदर वो सीड सपोर्ट देते हैं, करोड़ तक का फंड आपको ग्रांट देते हैं, जिसमें जाओगे तो कुछ जगह आपको ऐसे सब मिले, कहीं क्लियर तो नहीं लिखा है, लेकिन जब आप प्रोसेस में सिलेक्शन प्रोसेस में जाओगे और आप प्राइवेट लिमिटेड का जिक्र तब आए, और LLP हो तो आप हो सकता है रिजेक्ट भी कर दिया जाओगे सिलेक्शन के निचले पायदान पे। ये मैंने फेस किया अपने स्टार्टअप्स के साथ, ऐसा हुआ है, तो इसलिए उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि LLP जो कोई स्टार्टअप करना चाहता है भविष्य में, तो बड़ा वन लाइन सजेशन है, बड़ा एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ कि गो थ्रू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। दूसरा, 10 साल के लिए वो उसका स्टार्टअप के तौर पे वो कंसिडर किया जाएगा, टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। साथ में उसे डिफेंड करना पड़ेगा जब आप की इनोवेशन है आपके प्रोडक्ट में, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट है, प्रोसेंशियल है, जनरेट इम्प्लॉयमेंट, मतलब इनोवेशन है, स्केलिंग है, डेवलपमेंट है। पुराना कोई प्रोडक्ट था, मैंने मेरे पास ये ग्लास है, इस ग्लास में कुछ और नया करके मैं ला रहा हूँ दोबारा, तो भी ये इनोवेशन कहलाएगा, और कॉमर्शलाइज करूंगा, बेच सकता हूँ तो इनोवेशन कहलाएगा, और इम्प्रूवमेंट उसमें कर रहे हैं तो पोटेंशियल है लोगों को और इम्प्लॉयमेंट देने का। तो वो क्या करेगा, उसको अप्लाई करेगा DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। यहाँ जब आप अप्लाई करोगे तब आपको मिलेगा स्टार्टअप होने का सर्टिफिकेट, उसमें आपका जो ये पीला वाला पार्ट है नीचे, आप यू विल फाइंड कि ये सारी स्टेटस आप पूरा कर रहे हो, देन यू विल बी अ स्टार्ट। ओके, मुझे कोई रिस्पॉन्ड तो नहीं मिल रहा, मतलब मैं कथावाचक की तरह कथा कह रहा हूँ, बट थैंक यू, मतलब कोई जो ऑनलाइन किसी ने स्पीकर ऑन कर रखा होगा तो No, but थैंक्स फॉर it's दैट। fine. Means we are doing very interestingly. Means it is very good slide. कभी कभी थोड़ा सा आता है ना अंदर से इमोशन, तो बता दिया मैंने, ठीक है। सो एग्रीमेंट्स, किस किस एग्रीमेंट्स के थ्रू जाना पड़ता है? फाउंडर्स एग्रीमेंट, जो जो पार्टनर्स हैं वो आपस में कुछ टर्म एंड कंडीशन, क्योंकि किसी ने प्रोडक्ट बनाया है, उसने पेटेंट ले रखा है एक पार्टनर ने, दूसरा पार्टनर बोलता है मैं फंड लगाऊंगा इसलिए मैं पार्टनर हूँ, तीसरा पार्टनर बोलता है मेरे स्किल्स, टेक्नोलॉजी स्किल्स बहुत हाई है इसलिए मैं, मतलब आपस में पार्टनरशिप भी अलग अलग स्किल्स के थ्रू होता है, कोई फाइनेंशियल मैनेजर अच्छा है, तो सबके अपने अपने गुण है, तो इसी हिसाब से, गुण के हिसाब से आपस में लोग शेयर करते, शेयर अपना शेयर करते, और जब शेयर शेयर करते हैं तो फाउंडर्स एग्रीमेंट वहां पे आता है, अलग अलग चीज, पार्टनरशिप एग्रीमेंट वहां आता है। तो ये चीजें कंट्रीब्यूशन में के थ्रू, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू डिफाइंड होता है पहला दोनों चीज। ये बड़ा डिफरेंट है, ये आपस का है, ये ओनर्स एग्रीमेंट में आता है पहला। आप 3 लोग 4 लोग जो भी पार्टनर्स हो, जब आप एग्रीमेंट करते हो आपस में, तो आपके आपस के कुछ म्यूचुअल्स एग्रीमेंट होते हैं, और जो बिना एग्रीमेंट के तो कभी आपस में काम ही मत करना, झगड़ा हो जाएगा। अच्छी दोस्ती भी सर, कहते हैं ना सर फुटोवल, मतलब सिंपल भाषा में, देसी भाषा में बोलते हैं, आपस में सर फोड़ रहे हैं, मतलब एक दूसरे का कपाल फोड़ दिया लड़ झगड़ के, सड़क पे गुंडागर्दी हो रही है, पहले तो दोस्त थे बाद में पार्टनर बने और आज दुश्मन, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तब नहीं होगा जब किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले, इस तरह की जर्नी, कमर्शियल जर्नी को स्टार्ट करने से पहले एक आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट हो, और म्यूचुअल एग्रीमेंट शब्दों का ना हो, ध्यान रखना, ये मोरल मेरा है, मैं मोरल बता रहा हूँ, जिसको भी मैंने देखा है वो म्यूचुअल पे आगे काम किया, वो आगे लड़के अलग हो, और बड़ी अच्छी दुश्मनी है, दोस्ती तो खत्म हो गई, दुश्मनी बहुत अच्छी है। मैं अच्छे यार, मतलब मेरा एक स्टार्टअप है, एक का ऑफिस अब न्यूयॉर्क में है, एक का ऑफिस कहीं और है, पर अब अच्छे दुश्मन है, दोस्त नहीं रहे, तो वो ख्याल रखना, क्योंकि कभी दोस्ती को दुश्मनी में बदल जाना अच्छी बात नहीं, और दोस्त अच्छा पार्टनर हो सकता है, मैं ये मान, बट टर्म एंड कंडीशन मस्ट बी क्लियर,
तो ये पहला तीन चीज है, आप उसको देख लो, ये पॉइंट्स है, तो यहाँ से आपको जाना पड़ेगा, ये फिक्स रखना, ये आपस में रिजर्व करके, डिस्कस करके, लीगल एडवाइस लेके, फाउंडर्स एग्रीमेंट करना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट करना और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट करना कि भाई कौन कितना लगा रहा, उसके हिसाब से क्या किसका रहेगा। उसके बाद इम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, वो तो नौकरी देते हो तो हम ऑफर लेटर देते हैं ना, तो वो एग्रीमेंट चलता रहता है, वो कोई इशू नहीं है। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, अगर जो आपका स्टार्टअप हो, इनोवेटिव हो, तो आपको सड़क चलते किसी को भी अपना आइडिया बताने से पहले एक कागज हमेशा अपने पॉकेट में रखो, नॉन डिस्क्लोजर, एनडीए भी कहते हैं, बड़े सिंपल वर्ड। अगर जो आप इनोवेटर हो, आपके पास कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट और आइडिया है, ये जेब में रख के घूमो हमेशा, जहां किसी को बताने जाओ तो पहले उसके सामने कागज रख दो, सर प्लीज साइन इट, साइन नहीं करता तो उससे बात मत करो, अपने आइडिया को शेयर मत करो। ये मतलब अगर जो आप में से जो भी लोग इनोवेटर्स हैं आगे, या फिर आगे करना चाह रहे हैं, कुछ व्यूज हैं, विजन है, तो मस्ट फॉलो दिस, अपने जेब में रखो ये कागज। अगर जो आप इनोवेटर हो, रिसर्चर हो, स्टार्टअप्स हो, तो मस्ट फॉलो दिस थिंग्स इन योर पॉकेट, मतलब ऑलवेज आपके पर्स में ना एक कॉपी रहनी चाहिए, निकाला एक कॉपी तो रखो, भले फोटो स्टेट करा के दूसरे को दो, फिर एक कॉपी अपने जेब में जरूर रखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फिनिश्ड। आपका प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्शन से पहले, पता नहीं मैं कितना बड़ा घड़ियाल हूँ, कब आपको कहा, आपने आज आइडिया शेयर किया कि सर मैं प्लान कर रहा हूँ 6 महीने में ये प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैं तो मैच्योर इनफ, मेरे पास अपना बैकग्राउंड है, बेस है, बिजनेस है, या जो भी है, मैं कल शुरू कर दूंगा, आप 6 महीने बाद आएंगे, 6 महीने पहले आपका आइडिया, आपका प्रोडक्ट मैंने लॉन्च कर दिया, काम खत्म, यू आर फिनिश्ड, मैंने पेटेंट फाइल कर, डन, सो आपका आइडिया गया, जहां भी जाना होता चला। सो दीज आर द थिंग्स, स्टार्टअप को क्या करना चाहिए, एग्जीक्यूट फाउंडर्स एग्रीमेंट एंड इम्प्लीमेंट वेस्टिंग, इन्वेस्ट करने के लिए जो भी फाउंडर इन्वेस्टर, सारे पॉलिसीज बनाओ, अपने नियम कानून पहले से ड्राफ्ट करो, अपने पार्टनर्स के साथ मिलके, अपने मेंटर्स के साथ मिलके, अपने जो भी एडवाइजर्स के साथ मिलके, लीगल एडवाइजर के साथ मिलके, सीए के साथ मिलके, सीएस के साथ मिलके जरूर बनाओ। जब अपनी वेबसाइट बनाओ तो उसकी भी कुछ पॉलिसी एंड डिक्लेरेशन मस्ट करो, लोग आजकल वेबसाइट फटाक से बना दे रहे हैं, 1500 रुपये खर्च करके, 3000 खर्च करके, उसका उनका कोई डिक्लेरेशन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, और वो अपना प्रोडक्ट भी उस पर डाल दे रहे हैं, एनडीए लिया नहीं और प्रोडक्ट डाल दिया, कोई भी प्रोडक्ट बनाएगा, सड़क पे प्यूमा का जूता, एडिडास का जूता कार पे रख के लोग बेच रहे हो, जब प्यूमा एडिडास अपनी चीजों को नहीं बचा पा रहे हैं, हु आर यू, दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एडिडास एंड प्यूमा, उसके जूते हमें, मैं जब आता जाता रहता हूँ तो दिल्ली एनसीआर में डुप्लीकेट बहुत मिलते हैं, और आप तो कानपुर में, कानपुर वाले तो ज्यादा जानते होंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो ये चीजें हैं, इवेल्युएट योर फिक्स्ड कॉस्ट, कॉस्ट वगैरह पे जरूर ये सब करके रखो, मतलब ये कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपने कॉस्ट को इवेल्युएट कर लो, कॉम्प्लियंस, लीगल कॉम्प्लियंसेस समझ लो, सारे एग्रीमेंट एंड फाइनेंशियल एग्रीमेंट जो भी है, पार्टनर का एग्रीमेंट, ये सारा चीज करके रखो, बिना किए मत करना, कर डूब जाओ। तो इतने सब थे, मुझे लगता है जो ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए काफी होगा, किसी को ज्यादा डिटेल में जानना हो तो आई एम देयर, ऑलवेज देयर, आई एम अवेलेबल, मेल आईडी मैं शेयर कर दूंगा, या आपके फैकल्टी मेंटर्स के पास होगा, PSIT है नहीं हूँ ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर से, PI से, PSIT के, पर कॉलेज का नाम मैं जानता हूँ, अच्छा कॉलेज माना जाता है, तो आई थिंक सो इनोवेशन इंक्यूबेशन में अच्छा काम कर रहा हूँ, कुछ प्लेटफॉर्म पे हमने देखा भी है कुछ इनोवेशन प्रोडक्ट को, आई थिंक सो जो भी लोग आज यहाँ पे सुन रहे हैं, दे मस्ट हैव सम इनोवेटिव बैकग्राउंड्स, कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन होगा अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू, इंस्टीट्यूट इतनी कोशिश कर रहा है तो कुछ ना कुछ आगे आना भी चाहिए, सो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर द ज्वाइन सर, थैंक यू, इफ थैंक यू सर। स्टूडेंट्स, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? किसी के पास क्वेश्चन है तो खुल के बाय ऑडियो बाय वीडियो एनी एनी वे एनी मीन आप अभी रेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं अभी जवाब दे सकता हूँ, बात की भी जरूरत नहीं।
Sir, what is the role of money in a startup, sir? Is it really important to have a handsome amount of money, or so there are funds to support it, if you are having good idea? You are Saksham Singh. You are yes. Okay, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ. Sir, I'm Saksham Singh. I'm from CS second year, student of research. So you are from the second year and yes, sir. CS. So ये question अच्छा लग रहा है. अच्छा इसलिए लग रहा है कि आप second year से सोच रहे हैं. बड़ा सिंपल सा है. पहले मैं आपको मोटिवेट थोड़ा सा कर दूं. बड़ा सिंपल इसलिए अभी आप ये क्वेश्चन पूछ के जो अगले एक साल में आप शुरू होते हो तो आपका कैरियर दाव पे नहीं लगता. अगर जो आपने फोर्थ ईयर निकलते निकलते कुछ ऐसी चीजें ऐसा प्रोडक्ट बना के अपने पॉकेट में रख लिया, उसका पेटेंट रख लिया, उसके कमर्शलाइजेशन के वे रख लिए, बिजनेस प्लान रख लिया, तो मे भी फाइनल ईयर प्लेसमेंट की लाइन में नहीं लगना पड़े और आपका प्रोडक्ट कहीं मार्केट में हो लिटिल बिट इनिशिएशन के साथ. हो सकता है 2 साल कम पड़े लेकिन आपका कैरियर दाव पे नहीं है. कारण क्या होता है कि जब आप इस एज पे शुरू होते हो तो आपका उम्र, अभी आप सेकेंड ईयर में हो तो आपकी उम्र जो होगी 19 से 20 साल होगी. और 19 से 20 साल का मतलब है कि 22 से 23 साल में आप मार्केट में आने वाले. और 22 से 23 साल में आप 100 साल और दे भी दिया आपने स्टार्टअप को. और किसी हाल में मैंने बता दिया, मैंने कभी नहीं बोला कि आपको सक्सेस ही मिलेगा. यहाँ मैंने बताया सक्सेस और मे बी फेल्योर. स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर. हाँ, तो लास्ट पॉइंट सक्सेस और फेल्योर है. तो आपके पास 24 साल की उम्र में या तो सक्सेस होगा या फेल्योर होगा. मैं उसका एक एग्जांपल हूँ. मैं अपने बीटेक फाइनल ईयर में अपनी कंपनी रजिस्टर कर चुका था. उस टाइम इनका इनक्यूबेशन इनोवेशन पिच किया और लोगों ने एक्सेप्ट किया. 2-4 महीने का स्ट्रगल. अब मेरे कैरियर का ज्यादा लंबा वक्त नहीं बीता बट मैं अपने एक अच्छे पोजीशन पे हूँ. नेशनल लेवल पे लोग मुझे जानते हैं. इंडिया के 20-25 लोगों के लिस्ट में आता हूँ इस सेक्शन में. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल अवार्ड मेरे हाथों में दिया था मेरे TVI के लिए. तो लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव अचीव्ड. क्यों? क्योंकि जो फेल मैंने किया था ना, उस फेल्योर ने मुझे सक्सेस का रास्ता दिया. बहुत सारी चीजें सिखाई, बड़े मैनेजमेंट सिखाए, मैनेजरियल स्किल्स सिखाया. बैकग्राउंड मेरा सिविल इंजीनियरिंग का है. मैं मास्टर्स ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, PhD ट्रैफिक में. सो डिफरेंट, आई एम फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड. आप कंप्यूटर साइंस से हो, मैं AI बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कर रहा हूँ. तो लेकिन क्या हुआ कि जो फेल्योर मेरा था वो मुझे रास्ता दिखा फाइट करने की स्ट्रेटेजी. दैट्स गुड. अब आता हूँ स्टार्टअप नाउ डेज. पहले तो दिक्कत थी. नाउ डेज आपके पास इनोवेटिव आइडिया है, इतने सारे ग्रांट अवेलेबल. मैंने बोला मैं 2 करोड़ का एवरेज ग्रांट हर साल डिस्ट्रीब्यूट. वो ग्रांट होता है, ग्रांट इज नॉट लाइक अ लोन. यस, लोन नहीं है. लोन मतलब बहुत सारा. अभी इनोवेटिव आइडिया है तो पैसे की कमी नहीं है. आप PSIT में हो, PSIT को पता होगा, AKTU भी धीरे धीरे इनिशिएट कर रहा है. मतलब इनोवेशन हब के थ्रू अभी कुछ बच्चों को उन्होंने वहां बुलाया था. आप लोगों में से भी कोई गया होगा. तो अलग अलग लेवल पे फाइनल ईयर के बाद हम लोग 1 साल तक फेलोशिप देते हैं बच्चों को 30,000 per month. चलो तुम्हें फेलोशिप दे रहे, तुम अपना बिजनेस बढ़ाओ. 1 साल तक हम तुम्हें सस्टेन करने का पैसा दे रहे. सक्सेस फेल्योर तो नौकरी. जाओ मार्केट में, बायोडाटा तो मजबूत हो ही जाता क्योंकि आप बहुत कुछ कर चुके हो. एक स्टार्टअप बनाने के लिए आपने प्रोडक्ट बनाया. प्रोडक्ट बनाना, बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोडक्ट बनाती है. जो एक बच्चा प्रोडक्ट बना दे थर्ड ईयर में तो कितनी चीजें कर चुका होगा अपने से वो खुद. अगर जो आप एक IoT बेस्ड कोई फिजिकल प्रोडक्ट बनाते हो तो आप कोडिंग भी खुद ही कर रहे हो. तो उसका प्रोडक्ट का सोल्डिंग, बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, कॉन्सेप्ट सब आप कर रहे हो. तो आप में तो सारा गुण आ गया ना, एक मैकेनिकल इंजीनियर से लेकर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर तक. यस सर. बताओ किस कंपनी में एक इंजीनियर सारा काम करता है? कोई नहीं करता. उसके बाद बनाने के बाद आपने पेटेंट भी लिया है. पेटेंट लेने के बाद आपने बिजनेस प्लान भी डेवलप किया है. बिजनेस प्लान डेवलप करने के बाद आपने उसको बेचने की भी कोशिश की है, लॉन्च करने. बिजनेस प्लान तभी तो हुआ, लॉन्च करने की कोशिश की है. आपने मार्केट से पैसे भी जुटाए, इंक्यूबेशन से, गवर्नमेंट स्कीम से, बैंक से, उसको बेचने के लिए. यू आर अ गुड मैनेजर. तो कहीं कैरियर दाव पे नहीं जाता, ये याद रख. और दूसरा कि
पैसा मार्केट में डिफरेंट वेरियस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूपी गवर्नमेंट सब दे रहे हैं, पैसे की दिक्कत नहीं। स्टार्टअप होने के लिए खूब पैसा चाहिए, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओयो का फाउंडर बहुत ही निचले पायदान के परिवार से आता है, लोअर मिडिल क्लास से आता है और वहां से उसने इनिशिएट, और बहुत सारे ऐसे नाम है। मैं ओयो की बात कर रहा हूँ, मैं पेटीएम के जो ऑनर है वो नौकरी कर रहे थे, मैं बात कर रहा हूँ उसका जो एडुकेशन पोर्टल है, बड़ा पोर्टल है, रामचंद्रन उसके फाउंडर है, वो हो गए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ग्राउंड से ट्यूशन पढ़ा के शुरू कोचिंग चला रहे हैं। सो देयर इज नो इनोवेशन चाहिए। और किसी का कोई क्वेश्चन? पैसा नहीं, इनोवेशन चाहिए, वन वर्ड फॉर आई स्टार्ट। एनी मोर क्वेश्चन? सो आई थिंक सर, हेलो, या देयर इज समवन, सर एम आई ऑडिबल? यू आर ऑडिबल सर। आई वॉन्टेड टू आस्क दैट, आपने जैसे बोला कि आजकल बहुत सारे इनोवेटर्स हैं और बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं सबके पास, सो हाउ डू वी फाइंड द राइट बिजनेस आइडिया फॉर अस दैट इज यूनिक, कि ऐसा आइडिया ऑलरेडी वर्क में ना हो या ऑलरेडी उस पे ऑलरेडी कोई काम ना कर रहा हो। ये तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मैं बता रहा हूँ। यूनिकनेस को डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर से पहले तो ये कर लो कि यूनिकनेस कैसे कैसे आइडेंटिफाई होता है। यूनिकनेस आइडेंटिफाई होता है, एक तो एकदम नहीं बना कोई चीज, किसी ने ट्यूबलाइट बनाई होगी तो ट्यूबलाइट बनाई थी पहली बार, ऐसा कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हो कि किसी के पास इस सोसाइटी में मतलब ऐसा है कि आरओ तो बहुत बढ़ गए, अब नए तरह का आरओ जिसमें कोई कॉस्ट नहीं जा रहा, 300 रुपए का एक चीज लगा और आपका पानी आरओ प्रोसेस्ड हो गया। अभी तो आरओ 10,000 रुपए का इंस्टॉल हो रहा है, उसका मेंटेनेंस साल में 2-3 हजार रुपए। तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम जो एकदम नया है, यूनिक है, उसको आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर दिया, वो यूनिकनेस हो गया। दूसरा, किसी भी प्रॉब्लम, किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उसमें कोई कमियां हैं, मतलब प्रोडक्ट अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन जो कमी है उसका प्रॉब्लम भी लोग सॉल्व कर, उसको भी सॉल्व करके नए प्रोडक्ट के फॉर्म में लॉन्च कर रहे हैं। मैंने हाथ में लिया था ग्लास, ये बना है पेपर से, ये पेपर बर्बाद कर रहा है पेड़, ठीक है, हम पेपर के लिए पेड़ काटते हैं, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या? ऐसा जो सोसाइटी को भी, मतलब नेचर को भी हार्म ना करे, कुछ होगा, मुझे अभी नहीं पता, मैं नहीं बता सकता, होता तो मैं पेटेंट लेके प्रोडक्ट ले आता, लेकिन कुछ होगा। इसी तरह कोई एग्जांपल हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत लोगों के प्रॉब्लम्स, किसी ने डब्बा वाला स्टार्ट कर दिया, डब्बा वाला एक कंपनी है अपने यूपी का ही लगता है, आई थिंक सो कानपुर का ही हो सकता है, मुझे याद आ रहा है। किसी ने मंदिर के वेस्ट को कन्वर्ट कर दिया, मैंने नाम लिया, अग्रवाल ब्रदर्स हैं, अंदर से दो भाई हैं, कानपुर के ही हैं, आईआईटी कानपुर उसकी मदद कर रही है, अब तो टर्नओवर उनका मिलियन में चला गया फॉर्म से। उन्होंने क्या किया, मंदिर का जो वेस्ट आता था, अब हम लोग धार्मिक लोग रिलीजियस है ना, अब रिलीजियस लोग हैं तो हमारा मंदिर का, मस्जिद का या किसी प्रकार के रिलीजियस वेस्ट को सड़क पे फेंक दिया जाए, कितना बुरा लगता, मुझे तो लगता, मैं तो इसके भी विरोध में हूँ कि जो शादी पे लोग कार्ड में गणेश जी की फोटो लगाते हैं और उसको फिर कहीं इधर उधर फेंक देते हैं, कैलेंडर पे भगवान का फोटो लगाते हैं और फिर उसको इधर उधर फेंक देते हैं, तो इन दैट केस क्या होता है, फिर पैर पड़ता है, वेस्ट में जाता है, नाले में जाता है। तो किसी बंदे ने इसका सोल्यूशन निकाला कि मंदिर का जो धूप बत्ती का ऐश निकला, जो धूप जलाया हमने, जो फूल माला चलाया, इन सबको कलेक्ट करके उसको परफ्यूम में, अगरबत्ती में, धूप बत्ती में दोबारा कन्वर्ट कर। तो इस तरह के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसका सॉल्यूशन निकालना, मतलब एक यूनिक, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो जिसका सॉल्यूशन नहीं है और उसको, उसका सॉल्यूशन निकाल दो, हो गया काम, वो इनोवेटिव है। दूसरा, जब आपने डेवलप कर लिया तो उसको पेटेंट के प्रोसेस में ले जाओ, जैसे ही पेटेंट के प्रोसेस में आप जाओगे वहां आपको एग्जामिनर आपको बता देगा कि ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में पहले से अवेलेबल है या किसी ने पेटेंट ले रखा है, पेटेंट ले रखा है तो किस हद तक पेटेंट ले रखा है, और आप इसमें क्या और अपग्रेड कर सकते हो, वो आपको वहां से पेटेंट अटॉर्नी से, और मे बी PSIT ने पेटेंट अटॉर्नी जोड़ रखा हो। सर, पेटेंट अटॉर्नी आपके यहाँ जुड़े होंगे ना?
यस सर हाँ पेटेंट अटॉर्नी होंगे और मे भी उनके थ्रू सर उनका सेशन है कि इन बच्चों के लिए और जो एक दो बच्चे जो भी है ग्रुप के लिए ऑर्गेनाइज कर दें तो इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे आइडेंटिफाई। मगर किसी भी यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करो, मास के लार्ज नंबर ऑफ पीपल का प्रॉब्लम सॉल्व करो, वो इनोवेशन में आ जाए, कोई दिक्कत। क्या नाम था आपका बेटा जिसने पूछा था सवाल? ऐश्वर्या मेलवानी। हाँ यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर, ये ना? यस सर। ठीक है, बढ़िया, गुड वर्क, थैंक यू सर, गुड वर्क, थैंक यू। और कोई? सर जैसे आपने सर अभी लीगल एस्पेक्ट्स की बात की, सर एम आई ऑडिबल? तो सर लाइक वी आर सर फ्रॉम सीएस डिपार्टमेंट, तो सर हम लोग को स्टार्टिंग से कुछ लीगल एडवाइजर रखने की जरूरत होगी या फिर सर वी कैन स्विच टू सम वेबसाइट्स एंड लाइक वी कैन? शुरू में अभी एडवाइजर रखने की जरूरत नहीं है, मैंने जितने कॉन्सेप्ट बता दिए ना, जितना कॉन्सेप्ट इतनी कहानी तो समझ में सुन लिया ना, इतनी चीजों को ध्यान में रख के पहले अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट को बनाओ और आईपी ले लो, पेटेंट ले लो, और जो कोई प्रोडक्ट बना रहे हो अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिजर्व कर, और रिजर्व करने के बाद मार्केट एनालिसिस करो कि क्या ये प्रोडक्ट कमर्शलाइज होगा। अगर जो केवल पेटेंट तक रह के वो प्रोडक्ट रहने लायक है तो ठीक है, छोड़ दो, अपने प्रोफाइल में ऐड करो, कमर्शलाइजेशन के लायक है कि नहीं है वो थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा मार्केट सर्वे। जब मार्केट सर्वे में लगता है कि नहीं ये प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे तो देन फिर अपने लीगल एडवाइस की तरफ से आगे बढ़ जाओ, तब आगे सोर्सेस अवेलेबल है क्या जहां से हम लोग लीगल एडवाइसेस ले सकते हैं ऑनलाइन? मुझे लगता है इंस्टीट्यूट में तो ऐसा आपके आपके यहाँ इंक्यूबेशन स्टेबलाइज्ड है, आई थिंक सो होगा। यस सर, वी हैव इंक्यूबेशन सेल एंड वी आर आल्सो गिविंग द आइडिया टू द स्टूडेंट्स, बट तो एक इन केस जिसने भी शशांक, क्या नाम था आपका जिसने क्वेश्चन पूछा है? सक्षम। सो इन केस आप मेरा ईमेल आईडी ले लो, और ईमेल आईडी ले लो, ज्यादा पोटेंशियल लगा तो फोन नंबर भी शेयर कर दूंगा। नो इशू, हम मतलब बीएसआई, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट को डिफर नहीं करता, मैं कहीं से बिलोंग करूं, स्टार्टअप इज अ स्टार्टअप फॉर मी या इनोवेटर इज इनोवेटर फॉर मी, वो माइंडसेट मत दिमाग में नहीं है मेरे। आपको लगे तो अभी आप मेरे साथ कनेक्ट करो, कोई इशू। श्योर सर, मैं आपको मेल, आपके इंस्टीट्यूट में भी फैसिलिटीज होंगी, आई एम श्योर एनफ कि बीएसआईटी हैज अ गुड मतलब बैकग्राउंड एंड अच्छा रिस्पांस है मार्केट में, तो दे मस्ट हैव सम ऑल दीस फैसिलिटीज, तो आप देख लेना, वहाँ वहाँ भी होगा और उसके अलावा भी मेरी जरूरत होगी तो यू कैन कनेक्ट मी डायरेक्टली, नो इशू। श्योर सर, आप सर से नंबर ईमेल आईडी ले लेना, बाद में फिर जब हमें लगेगा कि पोटेंशियल आगे बढ़ रहा है और जरूरत है मेरी तो डायरेक्टली भी बात करेंगे, कोई दिक्कत। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। 15 5 बताया सर, समवन सर, हेलो और किसी का सवाल है कोई? हेलो, सो सर थैंक यू, ओके सर, आई थिंक वी शुड स्टॉप द सेशन राइट नाउ, so thank you sir for giving idea about the startup and entrepreneurship related activities, and I hope student will learn a lot from your session and will try to develop product with the mindset of a startup and koi koi akarsh sachan kuch bolna cha raha hai, yeah akarsh actually akarsh you can also pass the message to me, I will contact you sir and we will rectify your query, आप मेल के थ्रू कम्युनिकेट करो, आई विल डायरेक्ट सर से आप मेल आईडी ले लो, मैं डायरेक्टली रिप्लाई कर दिया करूंगा, नो इश्यूज। किसी के पास कोई क्वेरी है तो मैं हर दिन शाम में दो चार क्वेरी आते हैं, मैं जवाब देता हूं, आप लोग भी बेफिक्र होकर कॉल करो, आप सर चैट बॉक्स में सर मेल आईडी सर लिख दीजिए तो हम लोग एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, मैं अभी चैट बॉक्स में सर मेल आईडी, एंड ऑल्सो वी विश दी ऑल द स्टूडेंट्स स्पेशली ऑल ऑफ यू थिंक इन दिस डायरेक्शन एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट such kind of startup entrepreneurship activities, and basically I like that the session was very good. I am not expecting this kind of session, the students are participating and asking the question, so thank you sir, thank you sir, thank you, we will meet in future also, so
So that sure, sir. This is my role in offline mode also, so that we have huge crowd and we can cover up all the other sections of the second year and third year also. Thank you, sir. Thank you for first of all, congratulations for organizing such a session. Actually, हम academics में इतने busy हैं कि ये section बहुत लंबे वक्त से untouched था जब हम लोगों ने career start किया सब. बिल्कुल, तो अच्छा है अब सब लोग touch कर रहे हैं. कुछ government के focus के कारण कुछ हमारे भी overviews अब change हो रहे हैं. तो thank you for that things and those things and congratulations for such a program. तो ये सोचना भी एक अपने लिए अच्छा है. Okay, sir, thank खास करके लीडर जो इंस्टीट्यूट लीडर्स है मार्केट में बिल्कुल, उनके लिए जरूरी बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल उनके लिए बहुत जरूरी. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन.